बीजेपी की तो बैठक होने नहीं दी प्रधानमंत्री ने, क्यों डरते थे कि कोई और नहीं चुन लिया जाए। पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन का नेता पहले चुन लिया हो, कभी हुआ ऐसा? तो ये भय दिखाता है कि भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। इतनी मुश्किल से संघर्ष करते हुए आप यहां तक पहुंचे हो, नीतीश डिपेंडेंट अलायंस एनडीए या नायडू डिपेंडेंट अलायंस एनडीए पर आप निर्भर हो, दो बैसाखियां लेकर चल रहे हो, उनको कहिए शांत रहें, अहंकार के घोड़े से उतरें। अब 1.5 लाख से जीते हो वाराणसी में, ये वही राज्य है जहां राहुल गांधी 3,90,000 से जीते हैं, किशोरीलाल शर्मा 1,66,000 से जीते हैं, 17 मेंबर ऑफ द कैबिनेट, 17 मंत्री हार चुके हैं, इससे बड़ा और क्या जनाक्रोश आप झेलेंगे। बीजेपी की तो बैठक होने नहीं दी प्रधानमंत्री ने, क्यों डरते थे कि कोई और नहीं चुन लिया जाए। ये कभी सुना है आपने कि पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन का नेता पहले चुन लिया हो, कभी हुआ ऐसा? तो ये भय दिखाता है कि भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। सब कैसे माना जाए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पे लिया, ईवीएम की बात करी, कांग्रेस को कहा कि 10 साल बाद से 100 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाए, ईवीएम के ऊपर अब कोई डर तो नहीं है? अब ये जीता हुआ प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? अरे इतनी मुश्किल से संघर्ष करते हुए आप यहां तक पहुंचे हो, नीतीश डिपेंडेंट अलायंस एनडीए या नायडू डिपेंडेंट अलायंस एनडीए पर आप निर्भर हो, दो बैसाखियां लेकर चल रहे हो, अब भी मैराथन, उनको कहिए शांत रहें, अहंकार के घोड़े से उतरें। अब 1.5 लाख से जीते हो वाराणसी में, ये वही राज्य है जहां राहुल गांधी 3,90,000 से जीते हैं, किशोरीलाल शर्मा 1,66,000 से जीते हैं, तो अब थोड़ा घमंड कम कर दें। 17 मेंबर ऑफ द कैबिनेट, 17 मंत्री हार चुके हैं, इससे बड़ा और क्या जनाक्रोश आप झेलेंगे? सर दोनों ही नेताओं ने, चंद्रबाबू नायडू आप कह रहे हैं 30 डिपेंडेंट अलायंस या नायडू डिपेंडेंट अलायंस, दोनों ही तारीफ करी है प्रधानमंत्री की, तस्वीरें सबके सामने आई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच शिष्टाचार हुआ, इस वक्त में भी आपको लगता है कि आपको अस्थिरता दिखाई? आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आप खुद जवाब जो देंगे मैं भी वही देने वाला हूँ। आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीने बहुत रोचक होंगे भारतीय राजनीति में, एक तूफान बन चुका है, वो जो क्या कहते हैं आप लोग, जब साइक्लोन आता है तो एक प्रेशर एरिया बन चुका है, प्रेशर एरिया एक नहीं अनेक बन चुके हैं, नागपुर में रेशम बाग में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, गडकरी जी की मन में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, लखनऊ में गोरखमठ में गोरखनाथ जी के मठ में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, इतने सारे प्रेशर एरियाज बने हुए हैं, नायडू जी और नीतीश कुमार जी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो होना है भीतर से ही हो जाएगा। आखिरी सवाल, क्या इंडिया इंटैक्ट है? क्योंकि कल आम आदमी पार्टी ने कहा इंडिया तो हमेशा इंटैक्ट रहता है, अभी तो और नए सदस्य आने वाले हैं, इसलिए इंडिया तो बहुत ना केवल इंटैक्ट है, इंडिया बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के बयान पे क्या कहेंगे? दिल्ली के विषय में जो बयान उन्होंने कल दिया, ये हम अलायंस जब बना तभी कह चुके थे कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता दिल्ली में जो हुआ है ये लोकसभा चुनाव तक है, उसके बाद के लिए नहीं है।